अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का पैगाम है अमीर की नाफरमानी नहीं करनी। बच्चों क्या पैगाम है? अमीर की नाफरमानी नहीं करनी। बच्चों आपको पता है अमीर कौन होता है? जैसे आपके घर में आपके पापा, स्कूल में आपके प्रिंसिपल, जो बड़े होते हैं उनको अमीर कहते हैं। जनरल नॉलेज क्लास नर्सरी जूनियर पेज नंबर 4 अनवान जनरल नॉलेज। तो बच्चों आए हम आज जनरल नॉलेज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सा सवाल है देखते हैं, हम कौन हैं? बच्चों क्या सवाल है, हम कौन हैं? शाबाश मुसलमान। हम कौन हैं? मुसलमान। बच्चों हम कौन हैं? मुसलमान। हमारा रब कौन है? अल्लाह ताला। शाबाश आपने सही बताया। हमारा रब कौन है? अल्लाह ताला। हमारा रब कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी कौन है? बच्चों अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी कौन है? सैयदना आदम अलैहि सलाम। सैयदना आदम अलैहि सलाम। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी कौन है? सैयदना आदम अलैहि सलाम। अल्लाह ताला के सबसे आखिरी नबी कौन है? शाबाश जल्दी बताएं। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के सबसे आखिरी नबी कौन है? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के सबसे आखिरी नबी कौन है? शाबाश बताएं जल्दी करें। शाबाश प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश बच्चों आपने बहुत अच्छा सुनाया है। प्यारे हमारे प्यारे मुल्क का नाम क्या है? शाबाश बताएं बच्चों क्या है हमारे मुल्क का नाम? पाकिस्तान। वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा बताया। हमारे प्यारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। शाबाश हमारे प्यारे मुल्क का नाम क्या है? शाबाश जल्दी बताएं। पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान, जिसमें हम रहते हैं। ये मुल्क हमें किसने दिया? शाबाश जल्दी बताएं। ये मुल्क हमें किसने दिया? अल्लाह ताला ने। किसने दिया? शाबाश अल्लाह ताला ने। ये मुल्क हमें किसने दिया? अल्लाह ताला ने। शाबाश आपने तो बहुत अच्छा से याद किया हुआ है। चले आगे जाते हैं। आसमान किस तरफ है? बताएं जल्दी करें। आसमान किस तरफ है?
आसमान किस तरफ है? ऊपर। शाबाश, आपको तो याद हो गया बच्चों। अगला सवाल हम देखते हैं, जमीन किस तरफ है? तो बच्चों बताओ, जमीन किस तरफ है? नीचे। किस तरफ है? नीचे, जिस पे हम चलते हैं। जमीन में हर चीज पैदा होती है जो हम खाते हैं। शाबाश। हमारे हाथ कितने हैं? जल्दी बताएं, हमारे हाथ कितने हैं? शाबाश, कितने हैं? दो। कितने हैं? दो। हमारे हाथ कितने हैं? दो। हमारे हाथ कितने हैं? दो। शाबाश, मेरे साथ गिने। एक, दो। एक, दो। एक, दो। कितने हाथ हैं? शाबाश, अपने काउंट करें अपने हाथ। हाँ जी, दो हाथ हैं आपके। एक हाथ की कितनी उंगलियां हैं? पांच। कितनी उंगलियां हैं? पांच। एक हाथ की कितनी उंगलियां हैं? पांच। चले शाबाश, मेरे साथ काउंट करें। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो बच्चों मेरे साथ काउंट करें आप। शाबाश, एक, दो, तीन, चार, पांच। कितनी उंगलियां हैं? पांच। चलें दोबारा से काउंट करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। कितनी उंगलियां हैं? पांच। शाबाश, आपको तो बच्चों पता चल गया है कि हमारे हाथ की कितनी उंगलियां हैं। हमारे दो हाथ हैं और उसकी एक हाथ की पांच उंगलियां हैं। शाबाश। तो बच्चों इस तरह हमारा ये पेज हमारा मुकम्मल हो गया है। तो आपने बहुत अच्छे से याद भी करना है, ठीक है, अच्छा सा सुनाना भी है मामा को, और बहुत बहुत मेहनत से पढ़ना है। ये आपसे स्कूल में सुना जाएगा। तो दुआओं में याद रखना है, मेहनत से पढ़ना है, और मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना, बाहर गलियों में नहीं घूमना। बैठ के अपनी मामा को कहना आपसे जनरल नॉलेज का काम सुने, सवाल पूछें और आप उनको जवाब दें। शाबाश। अस्सलामु अलैकुम।